तो देखो भाई लोग, आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बैटल कराने जा रहे हैं आयरन मैन वर्सेस क्रिश। तो आज हम लोग देखेंगे कि क्या होगा अगर कभी फाइट हो जाती है आयरन मैन और क्रिश के बीच में। तो मुझे काफी टाइम से सजेशन आ रहा था कि भाई आयरन मैन वर्सेस क्रिश बनाओ, तो मैंने सोचा बना देते हैं आयरन मैन वर्सेस क्रिश। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। बात करें आयरन मैन की, तो देखो आयरन मैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, सेल्फ हीलिंग पावर। अब देखो आयरन मैन के पास नेचुरल सेल्फ हीलिंग पावर्स तो नहीं है, लेकिन आयरन मैन का जो सूट है वो अपने आप को हील कर सकता है। और आयरन मैन के पास जीनियस लेवल का इंटेलेक्ट है, जिसका यूज वो कितने अच्छे तरीके से करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये तो बात हो गई आयरन मैन के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। अब बात कर लेते हैं क्रिश के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो देखो क्रिश के पास भी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सेंसेस, स्किल्स, इम्यून फ्रॉम ऑल डिजीज, टेलीकिनेसिस, और आपका जो क्रिश है वो फ्लाई भी कर सकता है। तो इन सब बातों से तो हमें पता चलता है कि क्रिश के पास ज्यादा पावर्स है आयरन मैन से। तो अब सीधा बात कर लेते हैं राउंड्स के बारे में। तो देखो ये मैच होगा टोटल 4 राउंड्स में, जो कि होगा स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी एंड इंटेलेक्ट। तो अगर बात करें आयरन मैन की स्ट्रेंथ की, तो देखो आयरन मैन के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसका यूज उन्होंने अपनी मूवीज में काफी अच्छी तरीके से किया है। जैसे कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के इस सीन में आयरन मैन हेलीकॉप्टर के एक पार्ट को उठा लेते हैं, और इन्फिनिटी वार में ये जो बड़ा सा रहता है वो थैनोस के ऊपर गिरा देते हैं। लेकिन आयरन मैन की एक्चुअल स्ट्रेंथ जानने के लिए मैं गया गूगल पे, और वहां मुझे पता चला कि आयरन मैन अपने एक्सट्रीम लेवल पे 75-100 टन का वेट उठा सकते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आयरन मैन के पास काफी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो ये तो बात हो गई आयरन मैन की स्ट्रेंथ के बारे में। अब बात कर लेते हैं क्रिश की स्ट्रेंथ के बारे में। तो देखो क्रिश के पास ये सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, जिसका यूज उसने अपनी मूवीज में काफी अच्छे तरीके से किया है। जैसे कि क्रिश 3 मूवी के इस सीन में क्रिश एक प्लेन को सेफली लैंड करवाता है, जिसमें उसकी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ लगी होगी। लेकिन क्रिश ने अपनी एक्चुअल स्ट्रेंथ दिखाई थी मूवी के लास्ट में, जब उसने एक बिल्डिंग को ही उठा लिया था। तो देखो एक 10 मंजिला बिल्डिंग का वेट होता है 36,000 टन। अब हम लोग ऐसा भी नहीं बोल सकते कि क्रिश ने पूरी बिल्डिंग को ही उठा लिया था। क्रिश ने इस बिल्डिंग का मैक्स 25-28% वेट ही उठाया था। और यह मत भूलना कि बिल्डिंग के ऊपर काल चढ़ा हुआ था, और काल भी अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा रहा था बिल्डिंग को नीचे गिराने में। तो देखो इन सब बातों से तो हमें पता चलता है कि जो क्रिश की स्ट्रेंथ है वो करीबन 10,000 टन तक होगी, जो कि आयरन मैन की स्ट्रेंथ से तो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि आयरन मैन अपने एक्सट्रीम लेवल पे करीबन 100 टन का ही वेट उठा सकते हैं, लेकिन क्रिश करीबन 10,000 टन का वेट उठा सकता है। तो देखो भाई, जो स्ट्रेंथ वाला राउंड है वो तो क्लियरली क्रिश के नाम ही जाएगा। तो स्ट्रेंथ वाला राउंड जाता है क्रिश के नाम। तो ये हमारा दूसरा राउंड है स्पीड का। बात की जाए आयरन मैन की स्पीड की, तो देखो आयरन मैन के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, और आयरन मैन अपने सूट्स की मदद से काफी फास्ट फ्लाई कर सकते हैं। तो देखो आयरन मैन के सूट में एक्सट्रीमली पावरफुल थ्रस्टर्स लगे हुए हैं, जिसकी मदद से आयरन मैन करीबन मार्क 10 की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, जो कि मतलब सीरियसली बहुत ही ज्यादा स्पीड है आयरन मैन की। तो ये तो बात हो गई आयरन मैन की स्पीड के बारे में। अब बात कर लेते हैं क्रिश की स्पीड के बारे में। तो देखो क्रिश के पास भी है सुपर ह्यूमन स्पीड, और क्रिश पहले लंबे लंबे जंप्स ही मार सकता था, लेकिन जब बाद में उसको सन से पावर मिला तब से वो उड़ भी सकता है। तो देखो क्रिश 3 मूवी में जब क्रिश उड़ता है तो वो अपने पीछे एक शॉक वेव छोड़ता है, जिसका मतलब जो क्रिश की स्पीड है वो साउंड के बैरियर को तोड़ रही थी। तो इसका मतलब क्रिश की स्पीड करीबन मार्क 3 तक होगी, जो कि मतलब आयरन मैन की स्पीड से तो काफी कम है, क्योंकि आयरन मैन करीबन मार्क 10 की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। तो देखो भाई, जो स्पीड वाला राउंड है वो तो जाएगा आयरन मैन के नाम। तो ये हमारा तीसरा राउंड है ड्यूरेबिलिटी का। बात की जाए क्रिश की ड्यूरेबिलिटी की, तो देखो मैंने बहुत बार बोला है कि मैं क्रिश की ड्यूरेबिलिटी का उतना बड़ा फैन नहीं हूँ, क्योंकि भाई क्रिश की ड्यूरेबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मतलब क्रिश को तुम अर्थ के किसी भी नॉर्मल वेपन से चोट पहुंचा सकते हो, और क्रिश के पास कोई हीलिंग फैक्टर भी नहीं है कि क्रिश फटाफट से हील हो जाएगा। तो देखो भाई, मेरे हिसाब से क्रिश की ड्यूरेबिलिटी किसी भी एंगल से अच्छी नहीं है, और एक फाइट में ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि सामने वाले के अटैक को सर्वाइव करने के लिए तुम्हारे पास अच्छी ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए। तो देखो क्रिश की एंड्योरेंस, क्रिश की सहन शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी के मामले में क्रिश उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। तो देखो भाई, ओवरऑल मैं ऐसा बोलूंगा कि जो क्रिश की ड्यूरेबिलिटी है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। तो ये तो बात हो गई क्रिश की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। अब बात कर लेते हैं आयरन मैन की ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो देखो आयरन मैन की ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो देखो पहली बात तो आयरन मैन का सूट बुलेट प्रूफ है, तो मतलब आयरन मैन को किसी भी नॉर्मल वेपन से चोट नहीं पहुंचाया जा सकता, जैसे कि गोलियां, बम, बारूद, इन सबसे आयरन मैन को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और भाई आगे बढ़े तो आयरन मैन का जो नैनोटेक सूट है वो अपने आप को सेल्फ हील भी कर सकता है, और आयरन मैन ने कई बार म्योनियर के हिट्स को सर्वाइव किया है, और भाई म्योनियर का एक हिट एक पूरे सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है बहुत ही आराम से। और भाई आयरन मैन ने थैनोस के पंचेस सहे हैं, और भाई थैनोस के पंचेस तो हल्क भी नहीं सह पाया था। और भाई एंड गेम में देखा था ना कि आयरन मैन ने स्नैप किया था, और अपने सूट की ड्यूरेबिलिटी की मदद से ही आयरन मैन स्नैप कर पाया था। तो इससे ही सोचो कि आयरन मैन का सूट कितना ज्यादा ड्यूरेबल है, कि उसने 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को सह लिया। तो देखो भाई, मेरे हिसाब से जो आयरन मैन की ड्यूरेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और ड्यूरेबिलिटी के मामले में क्रिश आयरन मैन के आसपास भी नहीं आता। तो देखो भाई, ड्यूरेबिलिटी वाला राउंड जाएगा नो डाउट आयरन मैन के नाम।
तो ये हमारा लास्ट राउंड है इंटेलेक्ट का। बात की जाए क्रिश की इंटेलेक्ट की, तो देखो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोला है कि क्रिश की इंटेलेक्ट उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। मतलब नॉलेज के हिसाब से तो क्रिश की इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन फाइट के बीच में क्रिश अपना इंटेलेक्ट ज्यादा यूज नहीं करता। मतलब अगर क्रिश को एक बार गुस्सा आ गया तो फिर वो अपने इंटेलिजेंसी का यूज बिल्कुल भी नहीं करता, जिसका साफ एग्जाम्पल हम लोगों ने क्रिश की दोनों मूवीज में देखा है। मतलब क्रिश अपनी दोनों मूवीज में ही बिना किसी प्लान के गुस्से में लड़ने चला गया था और उसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ता है हर बार। तो भाई मेरे हिसाब से क्रिश की इंटेलिजेंसी नॉलेज के हिसाब से तो बहुत है, लेकिन फाइट के बीच में क्रिश ने अपना इंटेलेक्ट ज्यादा अच्छी तरीके से नहीं शो किया है। तो ये तो बात हो गई क्रिश के इंटेलेक्ट के बारे में। अब बात कर लेते हैं आयरन मैन के इंटेलेक्ट के बारे में। अब भाई इस बंदे के इंटेलेक्ट के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। मतलब टोनी स्टार्क इतना बड़ा जीनियस। तो देखो भाई आयरन मैन ने अपने इंटेलेक्ट के दम पे ही कितने सारे सूट्स बनाए हैं, एडिथ को बनाया है, अपना नैनोटेक आर्मर भी बनाया है और पता नहीं कितने सारे इन्वेंशन जो टोनी स्टार्क ने किए हैं। और भाई आयरन मैन ने ऐसे काफी सारे इन्वेंशन किए जो कि बताता है कि उसका इंटेलेक्ट लेवल कितना ज्यादा अच्छा है। और अगर हम लोग टॉप स्मार्टेस्ट कैरेक्टर ऑफ एमसीयू देखें तो उसमें टोनी स्टार्क इजीली टॉप 3 में आएगा। और भाई जो भी आयरन मैन के फैन है उनको पता है कि आयरन मैन कितना बड़ा जीनियस है, मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और भाई ये इंटेलेक्ट वाला राउंड मैं आंख बंद करके आयरन मैन को ही दूंगा। तो देखो भाई चार राउंड सभी खत्म हो चुके हैं और स्कोर है क्रिश 1 आयरन मैन 3। और इसी के साथ हमें हमारा विनर मिल चुका है जो कि है आयरन मैन। तो देखो यार अगर कभी भी आयरन मैन और क्रिश के बीच में फाइट होती है तो उस फाइट का विनर तो आयरन मैन ही होगा, क्योंकि भाई आयरन मैन एक ऐसा बंदा है जो कि क्रिश से लड़ने के लिए एक अलग सूट ही बना लेगा, जैसे उसने हल्क बस्टर बनाया था हल्क से लड़ने के लिए। तो यार बस आज के लिए इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और हाँ भाई मेरे चैनल पे फाइनली 1K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच यार। मतलब मैं दिल से तुम लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब फालतू इमोशनल डायलॉग नहीं मारूंगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको अच्छी लगी तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।